ही हो जाएगा, समृद्धशाली और विकसित हो जाएगा, फिर भी 300 लाख करोड़ बचेगा। अब क्या करें उसका, विकास तो हो गया। तो हमने उसकी योजना बनाई है कि उसको बैंक में जमा करें फिक्स डिपॉजिट में 300 लाख करोड़, तो उसका एक साल का ब्याज आएगा 30 लाख करोड़, और ये हमारे साल के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। हमारा एक साल का खर्च है 11 लाख करोड़ और अपने को ब्याज आएगा 30 लाख करोड़। तो हम पूरे देश के हर व्यक्ति का टैक्स माफ कर दें, टैक्स लेने की जरूरत नहीं, और टैक्स माफ करेंगे तो महंगाई खत्म, और टैक्स खत्म हुए तो बेईमानी सब खत्म। आप जानते हैं इनकम टैक्स खत्म होते ही काला धन खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी रहेगा ही, सब कुछ व्हाइट हो जाएगा, और इनकम टैक्स खत्म होगा, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सब टैक्स खत्म होंगे, तो चीजें इतनी सस्ती होंगी। मैं अभी आपको कुछ बताता हूं, जैसे पेट्रोल अभी 60 रुपए लीटर है, फिर होगा 16 रुपए लीटर, डीजल अभी 40 रुपए लीटर है, फिर होगा 7 रुपए 50 पैसे लीटर, एलपीजी सिलेंडर अभी 370 रुपए का है, फिर खाली 70 रुपए का मिलेगा, हमें अभी केरोसिन मिलता 20 रुपए लीटर, वो 3 रुपए लीटर हो जाएगा, आप अभी नमक 8 रुपए किलो लेते हैं वो 50 पैसे किलो हो जाएगा, आप बस में 100 रुपए का टिकट खरीदते हैं वो 27 रुपए का हो जाएगा, रेल का 100 रुपए का टिकट 22 रुपए का हो जाएगा, हवाई जहाज से आप अमेरिका जाते हैं 1 लाख खर्च होता आने जाने में, वो 12,000 का रह जाएगा फिर टिकट, आपके बेटा या बेटी को इंजीनियरिंग आईआईटी में भेजें 5 लाख खर्च होता है, फिर वो 70,000 में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे, अभी भी एमबीबीएस एमडी में 40 लाख खर्च होता है, फिर वो 4 लाख में ही हो जाए। शिक्षा सस्ती होगी, हर एक व्यक्ति को इलाज कराना सस्ता होगा, आप अभी घर बनाए बिलासपुर में 10 लाख का, वो घर बनेगा 3 लाख का, टैक्स खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी जो सीमेंट आता है 250 रुपए बैग, वो आएगा 72 रुपए पर बैग, जो लोहा है 50 रुपए किलो वो आएगा 12 रुपए किलो, जो ईंट है 5 रुपए की वो आएगी 90 पैसे। टैक्स कम होते ही सब चीज सस्ती हो, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, शिक्षा सस्ती हो जाएगी, इलाज सस्ता हो जाएगा, हर आदमी आसानी से अपना काम चला पाएगा। और आपको एक बढ़िया बात बताता हूं अर्थशास्त्र की, कि जितने टैक्स कम हो जाते हैं आमदनी उतनी बढ़ जाती है। अगर हम भारत के लोगों के 70% टैक्स खत्म करें तो भारत के हर आदमी की आमदनी 70% बढ़ जाएगी, और आमदनी बढ़ेगी लेकिन खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, बैंकों में जमा करेंगे, तो बचत बढ़ेगी। हमने हिसाब जोड़ा कि अभी भारत की जितनी बचत है वो अगर हम 40% तक ले जाएं जीडीपी का, तो भारत तो चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, ऐसा देश है ना, चीन हमारे टक्कर में खड़ा हो पाएगा ना अमेरिका, अगर हमने हमारी बचत 40% बढ़ा दी जीडीपी। और एक बड़ा काम होगा, जब टैक्स खत्म होंगे तो वस्तुएं सस्ती होंगी, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे और एक्सपोर्ट की आमदनी बढ़ जाएगी। आज चीन सारी दुनिया पे छाया हुआ है, कैसे, सस्ती चीजें बेचकर। चीन का एक्सपोर्ट सारी दुनिया में है क्योंकि वो सब चीजें सस्ती बनाते हैं, हम चीन से भी सस्ती बना सकते हैं और वही स्थान हमारा हो सकता है पूरी दुनिया में। हमारा सपना है कि अंग्रेजों के आने के पहले पूरी दुनिया में भारत का 33% एक्सपोर्ट होता था, और अब फिर से इसी 33% एक्सपोर्ट तक हम भारत को लेके जाएंगे। और एक काम करेंगे, जब भारत देश में टैक्सेस खत्म होंगे ना, तो कोई आदमी के एक पैसे की बेईमानी नहीं करेगा। जब इनकम पे टैक्स नहीं होगा तो इनकम को कोई छुपाएगा नहीं, सब लोगों की इनकम खुल जाएगी, ठीक है, ब्लैक मनी बाहर आ जाए। जब सेंट्रल एक्साइज नहीं होगा तो कोई प्रोडक्शन नहीं छुपाएगा। आज क्या होता है, कोई 100 करोड़ का उत्पादन करता है और बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं 40 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, क्यों, क्योंकि उनको टैक्स बचा। जब टैक्स होगा ही नहीं तो कोई छुपाएगा नहीं, ना बिक्री छुपेगी, ना उत्पादन छुपेगा, ना आमदनी, और ये सब खुल गया तो हर व्यापारी, हर उद्योगपति ईमानदार, और जब व्यापारी उद्योगपति ईमानदार तो सारा देश ईमानदार, तो ईमानदारी अपने आप आएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएगी। और एक बड़ा फायदा होगा, जब ब्लैक मनी नहीं रहेगी बाजार में तो कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाएगा ब्लैक मनी की ताकत। हर नेता को चुनाव जीतने के लिए ईमानदार होना ही पड़ेगा,
चरित्रवान होना ही पड़ेगा। बिना चरित्रवान हुए, बिना ईमानदार हुए कोई नेता नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी है ही नहीं, सब मनी व्हाइट हो गई। तो सारे घोटाले जो नेता करते हैं इलेक्शन में वो बंद होंगे। ये पैसे से जो वोट खरीदने का चक्कर है ना, ये एक झटके में खत्म हो जाए, ना कोई वोट खरीद सकेगा ना कोई वोट बिकेगा। और एक बड़ा काम होगा वो ये कि जब चरित्रवान और ईमानदार लोग संसद में जाने लगेंगे तो वैसे ही भ्रष्टाचार कम होगा, बेईमानी कम होगी, आदर्श ज्यादा आएगा। अभी क्या है, एक एक से महाभ्रष्ट ठग और डकैत संसद में जाते हैं। हाँ, ठगी कर रहे हैं, डकैती डाली जिन्होंने वही संसद में बैठे, फिर उल्टा हो जाएगा, एक से एक ईमानदार और चरित्रवान संसद में जाए। फिर एक काम और करना है हमको कि भारत की बहुत सारी जमीन विदेशियों के कब्जे में है, 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के पास है और 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ये भी हमें वापस लेना है। और इसके लिए क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर ये जमीन वापस लेनी है। कैसे आएगी, इस जमीन को वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास कराना, उस प्रस्ताव को पास करने के लिए 70 देशों का समर्थन चाहिए। तो हमने योजना बनाई है कि भारत के पड़ोस में जो 70 देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि आदि, ऐसे 70 देशों की हम पहले मदद करेंगे। पैसे अपने पास बहुत हैं, हर साल 30 लाख करोड़ की आमदनी है और 11 लाख करोड़ का हमारा खर्चा है, 19 लाख करोड़ हर साल बचेगा, उसमें से पड़ोसी देशों को मदद करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे, चीन को भी नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। और ये मदद करेंगे तो वो देश हमारे मित्र बनेंगे और उनकी मित्रता से हम संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास करा लेंगे। और एक प्रस्ताव हमने कराया चीन से लाने वाली आने वाली जमीन का, दूसरा कराएंगे पाकिस्तान के पास जो हमारा कश्मीर, ये दोनों आएगा। और ये आने के बाद तीसरा एक प्रस्ताव और कराना कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं वो ध्वस्त करना, और उसके लिए जरूरत पड़े तो 70 देशों की सेना जाएगी और वो ध्वस्त करेगी उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डों। भारत वैसे कर सकता है, लेकिन भारत करेगा तो पाकिस्तान चिल्लाएगा बहुत, और जब 70 देश करेंगे तो पाकिस्तान छू नहीं बोलेगा, जैसे अभी हो रहा है ना अफगानिस्तान में, इराक में 70 देशों की आर्मी है आतंकवादियों से लड़ रही, यही आर्मी पाकिस्तान चली जाएगी। बस संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव होना और उसके लिए 70 वोट चाहिए, वो हमने व्यवस्था कर ली कि अपने पास इतने पैसे हैं कि हम पड़ोसी देशों की भी मदद करें। और वैसे भी भारतीय संस्कृति कहती है अपने घर में उजाला करके पड़ोसी के घर में जरूर करना चाहिए, तो हम गरीबी भुखमरी बेकारी से बाहर को निकाल लेंगे अपने देश को, तो फिर पड़ोसी देशों की भी मदद करेंगे, ये हमारी परंपरा है, ये संस्कृति थी। लेकिन मदद उन्हीं की करेंगे जो सच में हमारे मित्र हो सकते हैं, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के नहीं, चाइना जैसे देश के। और एक आखिरी काम करना है कि भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए जो पुराने कानून है 34,735 ये सब बदल लें। सबसे पहले बदलना है हमको आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, क्योंकि ये आईपीसी नहीं है, ये आयरिश पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड नहीं है। आपको मालूम आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया आयरलैंड पे लागू कराया, वही भारत पे लागू, हम गलती से उसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, वास्तव में वो आयरिश पीनल कोड है। और इसकी ड्राफ्टिंग जिस व्यक्ति ने की है उसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, उसने कहा है, अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, उसने कहा है कि भारत में अगर आईपीसी आ गया और चालू हुआ माने लागू हुआ तो एक भी भारतवासी को कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कानून है ही नहीं न्याय देने के लिए, ये तो अन्याय करने के लिए बनाया, गुलाम देशों पर अन्याय किया जाता है इसके लिए। इसी तरह से सीआरपीसी है, सीपीसी है, आपको मालूम है कि ये कानून लगभग 200 साल पुराने हैं, 140 साल 150 साल हो गए, कई कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, हम क्यों लगाए इन कानूनों को, इनको बदलना है ताकि न्याय मिले। और न्याय व्यवस्था को ऐसा ठीक करना है कि 3 महीने से ज्यादा किसी मुकदमे को ना लगे फैसला होने, हर मुकदमे का फैसला 3 महीने में आ जाए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, ऐसी न्याय व्यवस्था बनाए। न्याय व्यवस्था कुछ ऐसी बनानी है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हमारे यहां एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके राज्य में दो माताएं आई थी, एक बच्चा था दो मां थी, एक कह रही थी मेरा बच्चा, दूसरी कह रही थी मेरा बच्चा,
तो राजा ने कहा तलवार लाओ, आधा आधा काट दो, आधा एक को दे दो आधा दूसरे को। तो जैसे ही तलवार आई तो असली मां चिल्लाने लगी कि नहीं काटो मत, पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया असली मां यही है, तो नकली मां से बच्चा छीन के असली मां को दे दिया। पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ऐसी हमें न्याय व्यवस्था चाहिए। आज की जो हमारी न्याय व्यवस्था आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी, इस व्यवस्था में अगर यही मुकदमा लेके आप आ जाओ, दो माताएं और एक बच्चा, तो मैं चैलेंज देता हूं 40 साल तक फैसला नहीं आएगा। नीचे से ऊपर तक हम लड़ते रहेंगे, 40 साल में दोनों माताएं मर जाएंगी, बच्चा भी बड़ा होकर जवान हो जाएगा, फैसले नहीं आएंगे, क्योंकि कानून बहुत रद्दी है। और हमारी अदालत जो है ना, कानून के आधार पर फैसले देती है, न्याय नहीं करती। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि अदालत न्याय करती है, वो कानून के आधार पर फैसला देते हैं। फैसला होना अलग बात है, न्याय होना बिल्कुल अलग बात है। एक उदाहरण दूं, गाय को डंडे से मारो तो कानून कहता है जेल हो जाएगी, लेकिन उसी गाय को कत्ल कर दो तो कुछ नहीं हो, क्योंकि कानून ऐसा है गाय का कत्ल किया जा सकता है इस देश में। तो अगर कानून ऐसा है कि जिसमें गाय के कत्ल को करने की खुली छूट है, लेकिन गाय को मार नहीं सकते, अब इस कानून के आधार पर अदालत क्या न्याय करेगी, जरा बताओ, न्याय तो होगा ही नहीं। एक बच्चा है जिसको जन्म लेने से पहले मार दो तो गर्भपात है, जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है, कानून ऐसा है, अदालत क्या करेगी इसमें, जैसा कानून है वैसा फैसला है। तो अदालतें कानून के आधार पर फैसले करती हैं, और कानून गलत है तो फैसले भी गलत होते, इसलिए कानून बदलने हैं। और 34,735 कानून बदलने, उनकी पूरी लिस्ट हमने बना रखी है और उसकी प्रायोरिटी फिक्स की है, सबसे पहले कौन सा बदलना, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर नए कानून बनाने हैं। तो नया न्याय, और न्याय ऐसा जो 3 महीने में सबको दिखे और मिले। सालों साल मुकदमे नहीं चलेंगे, 3.5 करोड़ मुकदमे इस समय पेंडिंग है हमारी अदालतों में, अफसोस की बात है। ये हमें ठीक करना है, फिर पुलिस व्यवस्था को ठीक करना है, फिर हमारी ये जो सिविल सर्वेंट्स की अव्यवस्था है, आईसीएस आईआरएस आईएएस, इस सबको ठीक करना है। और अंत में एक काम करना है ये सब करते हुए, कि अंग्रेजों ने भारत में से जो धन लूटा वो सब वापस लाना। अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा, अंग्रेजों ने हमारा सोने का सिंहासन लूटा, अंग्रेजों ने हमारे देश में से इतना सोना लूटा है। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 1763 में वो पानी के 900 जहाज भर के सोना ले गया, 900 ships, और उतना गोल्ड अगर हम वापस ले आए तो ये 450,000,000,000 करोड़ का है आज। तो ये सब लाना है, और ये लाएंगे कैसे, लंदन में रखा है ये सब, हमारा कोहिनूर हीरा रखा है, हमारे कोहिनूर हीरे जैसे 4,500 हीरे रखे हैं लंदन के म्यूजियम्स। अंग्रेज पता है दुनिया में क्या कहते घूमते, वो कहते हैं ये सब भारत ने हमको गिफ्ट में दिया। हाँ, हम सिद्ध करेंगे कि उन्होंने लूट लिया यहां से, और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां एक केस हम तैयार कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें प्रमाण हम देंगे और ये सब लूटा हुआ वापस लाएंगे। और ये जिस दिन आ गया 450,000,000 करोड़ का सोना, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो गया। आज भारत का रुपया डॉलर से कमजोर है, जिस दिन ये 450,000,000 करोड़ का सोना आएगा उसी दिन रुपया डॉलर से बड़ा हो जाए। आज एक डॉलर में 45 रुपए है, फिर 1 रुपए में 5 डॉलर हो जाएंगे। और रुपया ताकतवर हुआ तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस समय 8,00,000 करोड़ का, वो हो जाएगा 400,00,000 करोड़ का। और एक बड़ा काम होगा, जब रुपए की ताकत बढ़ेगी तो जो भारतवासी अमेरिका में जाके सेटल हुए ये वापस आएंगे सब, क्योंकि ये अमेरिका गए इसलिए कि 1 डॉलर में 50 रुपए, अब हो जाएगा 1 रुपए में 5 डॉलर, तो क्या करेंगे, वहां वापस आएंगे। और वो आएंगे तो उनकी बुद्धि आएगी, उनकी अकल आएगी, और उनकी बुद्धि और अकल से नई टेक्नोलॉजी बनेगी, नई मशीनें बनेगी। अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा में 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सारे वापस आ जाए तो हम तो नासा जैसी कई संस्थाएं बना देंगे, तो भारत तकनीकी में भी आगे जाएगा।
प्रोडक्शन में आगे जाएगा, एक्सपोर्ट में आगे जाएगा, नए कॉलेजेस बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन खड़े करेंगे। एक जमाना था जब तक्षशिला नालंदा यहां हुआ करते थे और दुनिया के हजारों बच्चे पढ़ने आते थे, फिर ऐसा ही होगा। अमेरिका, यूरोप और दुनिया के लोग यहां पढ़ने आएंगे और ना सिर्फ पढ़ने आएंगे बल्कि नौकरी मांगने आएंगे। शुरुआत तो हो गई है, अमेरिका का राष्ट्रपति तो आ गया नौकरी मांगने, अब वहां के लोग भी आएंगे। ये भारत अभी बनेगा और अमेरिका और चीन से आगे जाएगा, क्योंकि भारत का अब ये सारा समय अच्छा होने का शुरू हुआ है और एक सन्यासी ने इसका संकल्प लिया है। और सन्यासी जब भी संकल्प लेते हैं ये सब होता है। मैं आपको दो पुराने उदाहरण दूंगा सन्यासियों के। एक हमारे सन्यासी थे परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने एक संकल्प लिया कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, और ऐसे समय में संकल्प लिया जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों का साम्राज्य दुनिया के 70 देशों में था। तब परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती का संकल्प हुआ। परिणाम क्या हुआ? उस संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर ने 7,32,780 क्रांतिकारियों को भेजा इस देश में। नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह, ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी पैदा हो गए। ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं था और उन्होंने लड़ा अंग्रेजों से और देश को आजाद कराया। तो संकल्प एक सन्यासी का था और काम क्रांतिकारियों ने किया। ऐसे ही एक बड़े सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने एक बार संकल्प लिया था औरंगजेब नाम के अत्याचारी शासक को खत्म करना। औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, 60,000 मंदिर तोड़े उसने, लाखों हिंदुओं को कत्लेआम किया, गर्दन से काटा, और जो हिंदू मुसलमान नहीं बनते थे उनका जनेऊ काटता था, चोटी काटता था, गर्दन काटता था, हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाए, जजिया कर, ये सारे अत्याचार 50 साल किए उसने। उस औरंगजेब को खत्म करने का संकल्प एक सन्यासी ने लिया था समर्थ गुरु रामदास, और ईश्वर ने वो संकल्प पूरा करने के लिए दो क्रांतिकारी पैदा कर दिए। एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरे थे गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह वही थे जो सिखों के 10वें गुरु बने। ये गुरु गोविंद सिंह वही थे जिनके बच्चों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की अपने बच्चों की, परिवार की, वो लड़े लड़े और लड़ते ही रहे। और इसी तरह छत्रपति शिवाजी लड़ते, और एक दिन आया कि औरंगजेब का शासन खत्म हुआ। औरंगजेब मरा, वो उसका शासन खत्म हुआ, और ऐसा खत्म हुआ उसका शासन कि आज उसके वंश में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। सन्यासी का श्राप ऐसा होता है, वंश खत्म हो गया पूरा, मुगलिया वंश खत्म हो गया, आज कोई नहीं है पूरी दुनिया। तो सन्यासी ऐसे होते हैं। अब फिर एक सन्यासी आए हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, और मुझे लगता है ईश्वर ने ही भेजा है उनको, बिना ईश्वर की कृपा के ऐसे और वो हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, वैसे ही हमको इकट्ठा कर, और उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को सोने का शेर बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है, वैभवशाली समृद्धशाली बनाना है, गरीबी भूखमरी बेकारी को मिटाना है, बीमारियां और बुराइयों को हटाना है। तो ये संकल्प एक सन्यासी ने लिया और हम सबको ईश्वर ने यही काम करने के लिए भेज दिया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप और मैं शायद 1857 के बिछड़े हुए क्रांतिकारियों की ही आत्माएं हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप 3.5 घंटे से ये सब सुन नहीं रहे हो। मैंने अभी घड़ी देखी, 3.5 घंटा हो गया, मालूम 3.5 घंटे। प्रधानमंत्री का भाषण कोई 20 मिनट नहीं सुनता इस देश में, आप 3.5 घंटे से सुन। कारण उसका एक ही है कि आपको ईश्वर ने कोई प्रेरणा दी है और मुझे भी ईश्वर ने प्रेरणा दी। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, शायद मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूं इसलिए आप सुन रहे हैं। तो ये ईश्वर की प्रेरणा है कि हम सब इकट्ठे हुए, और ये ईश्वर की योजना है कि हम सब देश में एक बड़ी क्रांति के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसी योजना के तहत सन्यासी को भेजा है। जैसे कभी महर्षि दयानंद सरस्वती आए, वैसे ही अब परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी।
और संयोग ऐसा है कि दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी, जिस परंपरा के महर्षि दयानंद सरस्वती थे उसी परंपरा के परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी। तो ये तो बड़ी कोई योजना है, अब इस योजना में आपको जुड़ना है और हम सबको लगना है और आप इसमें सहयोगी बने। कैसे बनेंगे आप? भारत स्वाभिमान के सदस्य बने, इसके लिए 11 रुपए का दान देके आप सदस्य बन सकते हैं। हमारे सभी योग शिक्षकों को हमने रसीद बुक दे रखी है, आप उसको ले लें, भरें, 11 रुपए दान देके सदस्य बन जाए, और 100 लोगों को, 500 लोगों को प्रेरित करें, वो भी सदस्य बने। ऐसे भारत में 18 से 20 करोड़ सदस्य बनाने हैं और ये जो जिला है बिलासपुर, इसमें हमें 10 से 15 लाख सदस्य बनाए और स्वयं परम पूजनीय स्वामी जी इस कार्य के लिए बिलासपुर आ रहे हैं जनवरी के महीने में और उनका एक बड़ा भव्य कार्यक्रम यहां पर होने वाला है 30 जनवरी 2011। बड़ा शिविर होगा उनका, योग प्राणायाम आयुर्वेद का, आप सब उसमें आए, हजारों की संख्या में दूसरों को भी लाए, क्योंकि ये निशुल्क है, किसी के लिए भी है, सबके लिए खुला है, गरीब हो या अमीर, रोडपति करोड़पति, सबके लिए खुला है। तो आप आए, हजारों और लोगों को लाए और उस दिन हजारों की संख्या में आप जुड़े भारत स्वाभिमान से, तो उनको भी आनंद होगा स्वामी जी को, आपको भी खुशी होगी। आप चाहेंगे तो वैसे आज भी आप सदस्य बन सकते हैं, आप बाहर जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ता हैं, स्टॉल लगा रखा है, वहां पे फॉर्म है, रसीद है, आप ले जाएं, उसको भरें और दूसरों को भी प्रेरित करें। यही भावना लेकर मैं आपके बीच आया और आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप इसमें जरूर जुड़ें। आने वाला समय भारत का है और एक बड़ी भारी भारत में क्रांति की तैयारी है, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भारतवासी जो भारत में है, भारत के बाहर है, वो तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे साधु संत इस कार्य में जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा आवेग इस देश में पैदा हुआ है और अच्छी बात ये हुई है कि सारे भ्रष्ट नेता और सारे भ्रष्ट अधिकारी इस समय कांप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। रोज हमको फोन आते हैं, पूछते भाई क्या करने वाले हो, क्या करने वाले। हम कहते हैं भाई देख लेना, 4 साल बाद जो भी कुछ करेंगे, अभी क्या बताएं हम क्या करने वाले। तो वो परेशान है, उनको परेशान होना ही चाहिए, क्योंकि बेईमानों को और दुष्प्रवृत्ति वाले को परेशानी होना चाहिए और जो सज्जन है और देश के लिए काम करते हैं वो सबको निर्विघ्न काम करने की तैयारी करनी है। तो आप और मैं, हम सब इस काम में जुड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरों को भी आप इसमें जोड़ेंगे, सदस्य बनेंगे और दूसरों को बनाएंगे। परम पूजनीय स्वामी जी के 30 जनवरी के शिविर में आप सब आएंगे, ये भावना व्यक्त करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। हम यहाँ से उठेंगे तो भारत माता की जय बोलकर उठेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे